हाय गाइस, वेलकम टू सरनेम एकेडमी। हम कर रहे हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पार्ट 3। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम हैं एक्सरसाइज 2.7 पर, जिसमें हमें तमाम क्वेश्चंस को सिंपलीफाई करना होगा। सिंपलीफाई या एवेल्युएट मींस कि हमें आंसर मालूम करना होता है। जितने क्वेश्चंस आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 लिखे हुए, इन तमाम क्वेश्चंस में सबसे पहले जो बेसिस हैं 8 raised to the power 1/3 8 बेस है, 36 raised to the power 1/2 36 बेस है और ऊपर पावर लिखी हुई है। सबसे पहले हम इन बेसिस में जो नंबर्स आ रहे हैं इन्हें बाय एलसीएम ब्रेक करेंगे। कैसे? जैसे कि 8 है, अब आप 8 का एलसीएम करें, 8 का एलसीएम बेटा 2 4 8 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 2 1 2। तो 8 का जब आपने एलसीएम किया तो यहाँ पर 2 multiply by 2 multiply by 2, इसके फैक्टर्स में 3 times 2 आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 8 की जगह पर आप लिखोगे 2 cube raised to the power 1/3 as it is multiply by 36, चूंकि ये स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, आपको मेमोराइज होगा, याद होगा कि 6 square है, तो इसे हम यहाँ पर लिख देंगे 6 square raised to the power 1/2। अब हम आगे से सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स अप्लाई कर। अब चूंकि यहाँ पर 2 raised to the power 3 and whole power 1/3 है, 2 base है और उस पर 1 power 3 और दूसरी पावर 1/3 है, तो हम यहाँ पर लॉ अप्लाई करेंगे x to the power m to the whole power n। लॉ ऑफ पावर ऑफ अ पावर में हमने सीखा था मल्टीप्लाइंग पावर्स, मल्टीप्लाई द पावर्स, पावर्स का प्रोडक्ट कर लो, आप दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर लो। तो सिमिलरली अब मैं यहाँ पर ये वही करने जा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द लॉ, 2 raised to the power 3 multiply by 1/3, 6 raised to the power 2 and then whole power is 1/2, दोनों पावर्स का प्रोडक्ट, यहाँ पर भी दोनों पावर्स का प्रोडक्ट। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 3 और 3 और ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में अब क्या होने जा रहा है, 2 raised to first power 6 raised to the first power, और किसी भी नंबर की जब 1 power हो तो वो नंबर ही वापस बन जाता है, वही नंबर वापस आ जाता है, एंड 2 6 12, ये आपका आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में एमसीक्यू में आते हैं, तो एमसीक्यू में ऑप्शन होगा 4 6 8 12, डिफरेंट ऑप्शन होंगे और उसमें से आपको 12 वाला ऑप्शन सिंप्लीफाई करने के बाद चूज करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन में 64 raised to the power -1/6 है, 64 बेस है और -1/6 नेगेटिव में पावर है, एक्सपोनेंट है, तो 64 का हम एलसीएम करते हैं, 64 लास्ट नंबर इसका 4 है जो कि a1 है, तो आप 2 से एलसीएम करोगे, 2 3 6 2 2 4, अगेन लास्ट नंबर 2 है, a1 है, 2 से करेंगे, 2 1 2 1 आगे कैरी हो गया, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 और 2 1, तो 64 में 1 2 3 4 5 6 2 आ रहे हैं, 6 times, 2 6 times आने का मतलब है 2 raised to the power 6 बनेगा 64 टू द होल पावर माइनस 1/6। अब 2 base हैं और उस पर फर्स्ट एक्सपोनेंट 6, सेकंड एक्सपोनेंट -1/6, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पावर ऑफ अ पावर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई द पावर्स, मतलब 6 multiply by -1/6। अब इन दोनों पावर्स के जब आप प्रोडक्ट करोगे तो कैंसिलेशन हो जाएगी, 2 raised to the power -1, और नेगेटिव पावर को हम पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, अगर एस न्यूमिरेटर में लिखा हुआ है तो आप नीचे ले आओ, नीचे तो आप ऊपर ले जाओ, तो माइनस वन है, ये हो जाएगा +1, प्लस हम लिखते नहीं हैं, एंड 2 raised to the power 1, एनी नंबर रेज द फर्स्ट पावर इज नंबर इट्सेल्फ, तो नंबर वापस आ जाएगा 2, तो आपका इसका आंसर हुआ 1/2। तो इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में एमसीक्यू में आ रहा होता है, तो आपको पहले से सिंप्लीफाई करना होगा और इसका आंसर होगा 1/2 half। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में है 256 divided by x square to the whole power 1/2, इस अंदर वाले का नाम होगा बेस और ऊपर हाफ जो है उसका नाम होगा एक्सपोनेंट, पूरा फ्रैक्शन बेस कहलाएगा और ये एक्सपोनेंट कहलाएगा। इस हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 256 का मुझे करना होगा एलसीएम, कैसे करेंगे भाई, लास्ट नंबर इवन है, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 1 2, इसके बाद 5 है तो 2 2 4 हो जाएगा, 1 आगे कैरी हो जाएगा,
टू एट जा 16 हो जाएगा. अगेन लास्ट नंबर इवन 8 है तो फिर 2 से करेंगे. 2 सिक्स जा 12, 2 फोर जा 8, 2 थ्री जा 6 और 2 टू जा 4. फिर अगेन 2 से ही होगा भाई. लास्ट नंबर 2 इवन है, 2 सिक्सटीन जा 32 होता है, 2 एट जा 16 होता है, 2 फोर जा एंड देन 2 टू जा 4, 2 वन जा 2. अब आपने 256 का एलसीएम किया, सब देखो 2 आ रहा है, कितने टाइम्स आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो हम यहां पर लिखेंगे 256 को 2 रेज टू द पावर 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सॉरी 2 रेज टू द पावर 8 बन रहा है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर टू द होल पावर हाफ. अब हम यहां पर लॉ अप्लाई करेंगे, पावर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. पावर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या था देखते हैं. पावर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये था कि a डिवाइडेड बाय b टू द होल पावर m. अगर फ्रैक्शन पर पावर आ जाए तो वो पावर सबकी होती है, a पावर m डिवाइडेड बाय b पावर m. अब हम यहां पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 2 रेज टू द पावर 8 है और ऊपर लिखा हुआ है हाफ, तो वो यहां आ जाएगा. नीचे लिखा हुआ है x स्क्वायर, उस पर पावर है हाफ, ठीक है. अब चूंकि ये ऑलरेडी पावर्स मौजूद थी यहाँ पर 8 और 2, तो जब ऊपर से होल पावर आएगी तो यहाँ प्रोडक्ट में आएगी. अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 8 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2 बेटा ये 4 हो जाएगा और ये x रेज टू द 1 पावर हो जाएगा. x रेज टू 1 पावर इज x, 2 रेज टू द पावर 4 है. 2 रेज टू द पावर 4 मीन्स कि आपको 2 को मल्टीप्लाई करना होगा 4 टाइम्स. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 रेज टू द पावर 4, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16. अच्छा, इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते थे. आपको ये मेमोराइज होगा कि 256 परफेक्ट स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर होता है. तो अगर आप इसे लिखोगे ना 16 स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आप लिखोगे 16 स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, तो जब 16 स्क्वायर पर ऊपर से पावर हाफ आएगी, 16 स्क्वायर पर जब ऊपर से पावर हाफ आएगी उससे कट हो जाएगा, 16 रेज टू द 1 पावर मतलब 16 आ जाएगा ऊपर, और एक्स स्क्वायर टू द हाफ पावर, एक्स स्क्वायर टू द हाफ पावर, दोनों पावर्स मल्टीप्लाई तो सेम आंसर आ जाएगा. अच्छा, यहाँ पर एक कैंसिलेशन हुई है, 2 वन जा एंड 2 फोर जा 8, ये 2 से 2 कैंसिल आउट. बट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और वो है 81 एक्स रेज टू द पावर माइनस 8 into z raised to the power 4 to the whole power 1 by 4. 81 x power minus 8 z power 4, ये तीनों bases हैं, इनके बीच में कुछ नहीं है तो product है, multiplication है, और ऊपर power exponent है 1 by 4. अब देखिए यहाँ पर questions को हम कैसे simplify करेंगे. सबसे पहले तो जो base है, जो number है, उसका आप LCM लो. 81 का आप जब LCM करोगे तो 3 raised to the power 4 आएगा, 81 होगा 3 raised to the power 4. कैसे, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ. 81 है तो यहाँ पर हम लिखते हैं 81, इसका हम एलसीएम करते हैं. लास्ट नंबर है यहाँ पर ऑट 1, तो अब 3 से करेंगे हम. 3 टू ज़ा 6 हो जाएगा और आगे बेटा 2 कैरी हो जाएगा, और 3 सेवन ज़ा 21, 3 नाइन ज़ा 27, 3 थ्री ज़ा 9, अगेन 3 से ही जाएगा, 3 वन ज़ा 3. तो आपने देखा कि 81 में 3 आ रहा है 4 टाइम्स, तो इसीलिए हम यहाँ पर 81 की जगह पर लिखेंगे 3 रेज़ टू द पावर 4. नेक्स्ट आगे है बेटा x रेज टू द पावर माइनस 8, z रेज टू द पावर 4 टू द होल पावर 1 बाय 4. अब जो होल पावर है 1 बाय 4 वो सबकी होगी पावर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के हिसाब से. 3 पर पावर 4 है, x रेज टू द पावर माइनस 8 है, z रेज टू द पावर 4 है, और ये जो ऊपर होल पावर है 1 बाय 4 वो यहाँ भी आ गई, मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 4 यहाँ भी आ गई, मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 4 यहाँ भी आ गई. सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 4 कैंसिल आउट, माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 4, 4 वन ज़ा 4 टू ज़ा माइनस 2, और 4 4 कैंसिल आउट 1 हो जाएगा. 3 रेज टू 1 पावर इज 3, एक्स रेज टू द पावर माइनस 2 एज इट इज, जेड रेज टू द 1 पावर. बेटा ये आपका आंसर है, लेकिन चूंकि नेगेटिव पावर में हमें आंसर नहीं छोड़ना होता तो नेगेटिव पावर को वी कैन मेक इट पॉजिटिव जस्ट बाय मूविंग इट डाउन. एक्स पावर माइनस 2 है तो नीचे लाकर आपने इसे एक्स स्क्वायर कर लिया.
यहाँ पर कैंसिलेशन हुई, ये फोर और ये फोर कैंसिल आउट, फोर और टू सेम,